आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, RPSC का चाहे सेकंड ग्रेड रिजल्ट हो, चाहे HM प्रधानाध्यापक भर्ती का रिजल्ट हो, चाहे SI भर्ती का रिजल्ट हो, दोस्तों तमाम रिजल्ट्स रुके हुए हैं और वजह उसमें बहुत सी हो सकती हैं, जिसमें रिजर्वेशन का मामला भी शामिल है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ यहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं, जिनके कारण से रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है। अब दोस्तों, जैसा कि रिजल्ट को लेकर के अपडेट हमारे सामने आया है, वो अपडेट आपको विध प्रमाण हम दिखाने वाले हैं कि किस दिन तक और किस मंथ तक ये परिणाम आ सकते हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी, कहीं से भी इस खबर का फेक लिंक नहीं है। तो पूरा वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर भावी प्रधानाध्यापकों ने लगाई झाड़ू, 10 तक परिणाम जारी नहीं हुआ तो 11 से करेंगे भूख हड़ताल। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर 3 जून से HM भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, भावी प्रधानाध्यापक हैं, उनका यहां पर धरना चालू है RPSC के सामने। तो उन्होंने कहा कि अगर 10 तारीख तक रिजल्ट यहाँ पर RPSC जारी नहीं करती है तो 11 को भूख हड़ताल की जाएगी और 3 जून से ये अभ्यर्थी ऐसा कर रहे हैं, यानी कि आंदोलन इनका जारी है, अनिश्चितकालीन धरना इनका जारी है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे भावी प्रधानाध्यापकों ने गुरुवार को आयोग के सामने झाड़ू निकालकर आयोग व राज्य सरकार को अपनी मांग के प्रति ध्यानाकर्षित कराने का प्रयास किया। तो यहाँ पर अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक भर्ती 2018 का जो परिणाम है उसको लेकर के मांग करें, 10 जून तक परिणाम घोषित करने की इनकी मांग है। अगर 10 तक नहीं होता है तो 11 से ये भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं, 3 तारीख से ये धरना चालू है। इसी बीच यहाँ पर अभ्यर्थियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है और जल्द से जल्द ये जो परिणाम है इसको जारी करने का उनका मुख्य एजेंडा है कि वो परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। अब दोस्तों, दूसरी खबर आप देख सकते हो, दूसरी खबर है इसमें 10 तारीख तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया, ये देख सकते हैं आप। प्रधानाध्यापक भर्ती समेत 5 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम का है इंतजार। प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन गत वर्ष सितंबर में किया गया था, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 समेत 5 प्रमुख भर्तियों के परिणाम अब तक जारी नहीं किए गए हैं। आयोग में इन भर्तियों के जो परिणाम हैं प्रक्रियाधीन है और माना जा रहा है इनमें से किसी भी एक भर्ती के परिणाम की शुरुआत इसी महीने में की जा सकती है। दोस्तों, कोई भी एक जो रिजल्ट है वो इसी महीने में दिया जा सकता है। प्रधानाध्यापक भर्ती 2018 का आयोजन सितंबर में किया गया था, 1200 पदों के लिए एग्जाम हुई थी, ठीक है। इस परीक्षा का परिणाम 9 महीने बाद भी नहीं जा रहा। इसके अलावा दोस्तों, IN भर्ती के बारे में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों आपका जो सेकेंड ग्रेड है इसका भी यहाँ पर है, ठीक है, और संस्कृत जो की जो सेकंड ग्रेड है वो भी है संस्कृत विभाग की। उधर माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड नॉन TSP और TSP के 9000 पदों के लिए आयोग द्वारा 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हुआ है। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर तो SI भर्ती का भी यहाँ पर अभी तक परिणाम नहीं हुआ, 7 अक्टूबर को परीक्षा ली जा चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर KK शर्मा जो यहाँ पर सचिव हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के, इनका क्या कहना है, आयोग द्वारा आयोजित 5 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम लगभग तैयार हैं, सभी प्रक्रियाधीन हैं, जल्द ही जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो जल्द यहाँ पर जारी करने का RPSC का यहाँ पर मानना है कि परिणाम तैयार हैं और एक परिणाम को यहाँ पर इसी माह में जारी किया जा सकता है। चुनाव और सरकार बदलने से हुई है देरी, तो ऐसा भी मानना है कि चुनाव होने से और सरकार बदलने से भी देरी हुई है, क्योंकि आयोग को नई सरकार की मंशा के अनुरूप ही पूरी कवायद करनी है। दोस्तों, ये खबर है, एक परिणाम है जो आपका इसी महीने में आ सकता है। अब देखिए वो परिणाम कौन सा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन परिणाम की जो शुरुआत है इसी महीने में कोई ना कोई रिजल्ट, चाहे HM का हो, चाहे SI का हो, चाहे सेकंड ग्रेड को, संस्कृत विभाग हो, तो इनमें से कोई भी एक रिजल्ट इसी महीने में यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये दोस्तों आज ही की न्यूज़ है, आप चाहें तो इनको दैनिक भास्कर अजमेर में भी देख सकते हैं। और ये तो पहला मामला है HM भर्ती का, इसमें इन्होंने चेतावनी दे दी है सरकार को, स्पष्ट रूप से RPSC से कहा है
कि वो 10 जून तक या तो परिणाम जारी करें अन्यथा 11 जून से वो भूख हड़ताल करेंगे। दोस्तों एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा राजस्थान की वैकेंसियों के लिहाज से कि यहाँ पर जो हालात पिछले 8-10 साल से पनपे हैं, 2012-13 के बाद जो हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको लेकर के हम एक अतिशयोक्ति नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य है राजस्थान के युवाओं का कि हर एक सरकार, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी यहाँ पर सही है, कांग्रेस यहाँ पर सही है, लेकिन हर एक सरकार ने यहाँ खून के आंसू पिलाती है और हम हैं कि क्या करें, बस एक वोटिंग का जरिया रह गए हैं, एक वोट तंत्र का जरिया बन गए हैं। बस जब आना है सत्ता में तो झूठे वादे लोलुपता दी जाती है और उसके बाद जो ही वही मनमानी की जाती है जो पहले से गवर्नमेंट कही जा रही है, चाहे सरकारें बदले लेकिन सिस्टम वही रहता है। एक परेशानी करने वाला, युवाओं के कुटारघात करने वाला, एक एक साल तक परिणाम नहीं आना और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं कि ये वैकेंसी सुलझ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब उम्मीद है कि इसी महीने में परिणाम आएगा। जैसा कि दोस्तों 18 जून को यहाँ पर सब कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग भी है, तो उससे पहले तो शायद मुझे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद ज़रूर ये परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसी उम्मीद है। दोस्तों बहुत से यूट्यूब चैनल्स इनकी टैगलाइंस को बदलते हैं, जैसा कि कल एमबीसी के बारे में खबर आई थी, 25,000 पदों पर एमबीसी को दिया जा सकता है यहाँ पर आरक्षण, तो लोगों ने उसको अलग तरीके से किया कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इसमें पद बढ़ाए गए। तो हमारा एक ही मकसद है कि जो सच्ची और अच्छी खबरें आप लोगों को मिली, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।